मुरादाबाद 14 जुलाई को कन्हैया मित्तल के द्वारा जो आयोजन बुद्धि विहार में होना था वह भारी बारिश के कारण अग्रिम सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। आज 13 जुलाई गुरुवार को श्याम बाबा परिवार रजिस्टर्ड के सदस्यों के द्वारा एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। कार्यक्रम स्थल पर जल भराव के कारण समिति ने यह निर्णय लिया है। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मंच बना हुआ था। सर, कल बाबा का भव्य प्रोग्राम होने जा रहा था और से देखते हुए बारिश बहुत ज़्यादा है, इसकी असर से है कि आप इस बात के लिए जी क्या कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। जैसे कि आप सभी श्याम प्रेमियों को पता था कि इसी कार्यालय इसी स्थल पे बाबा श्याम का बहुत ही भव्य दरबार लगने जा रहा था, लेकिन जैसी बाबा श्याम की मर्जी आप सभी के सामने है। जो भी है बाबा के कुछ भी आप समझ सकते हैं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे शहर में, तो इसी वजह हमें इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ रहा है। हम सभी श्याम प्रेमियों, हमारे श्याम परिवार के सभी सदस्यों ने बैठकर कल रात से हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अपने कार्यक्रम को कैसे आगे लेके जाएं, कैसे भव्य बनाएं, लेकिन कुछ कारणवश हमें इस कार्यक्रम को अपने स्थगित करना पड़ रहा है। और हम बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक आगामी अपनी जो नई डेट एक प्रेस नोट में रिलीज करके आप सभी को सूचित करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम, जय बालाजी। जैसे कि हम देख सकते हैं हम लोग अभी ग्राउंड पर ही खड़े हैं, सारा संरक्षक और सब परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है कि अगर हम कार्यक्रम कर भी लेते हैं और अगर कल बारिश हो गई तो वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो भक्तों को जो परेशानी होगी या तो कोई आपदा का सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसी वजह से हम अपने बाबा के महोत्सव को आगे के लिए स्थगित करते हैं। और जो मित्र भैया से हमें आगे की डेट मिलती है, बहुत जल्दी हम अपने सभी भक्तों को सूचित करेंगे, लेकिन ये हमारी उम्मीद है और विश्वास है कि आने वाले समय में कार्यक्रम और भी भव्य होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को कष्ट के लिए खेद है। जय श्री श्याम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज़, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।